राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ के सदस्य है और हम लोग डाकघर में जनता का निवेश करा के गवर्नमेंट से कमीशन पाते हैं। लेकिन आज जो है गवर्नमेंट जो हम लोग को आधा परसेंट दे के इस महंगाई के जमाने में आधा परसेंट में हम लोग अपने परिवार को चला रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। लेकिन फिर हम लोगों की कुछ मांगे हैं। एक तरफ कहला कि भारत सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ जो है महिला सम्मान जैसी स्कीमें निकाल के महिलाओं को उस स्कीम से दूर रख रही है गवर्नमेंट, कमीशन के काम कराना चाह रही है। तो ये हम लोगों के महिलाओं के साथ पोस्ट ऑफिस में जो महिला एजेंट है उनके साथ अन्याय है। हम लोगों का जो आधा कमीशन है उसको बढ़ा के 1% किया जाए। हम लोग को कमीशन बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट ने 2011 में कल महिलाओं का कमीशन भी घटाया और पुरुष एजेंटों का भी कमीशन घटा के 1% से 0.5% किया। दो तीन स्कीम हम लोग को कमीशन मिलता था उसको बंद कर दिया, जिसमें PPF है, सुकन्या समृद्धि योजना है और वरिष्ठ नागरिक योजना, उसके अंदर हम लोग को कोई कमीशन नहीं मिलता है। सारी डाकघर से ये योजना उत्पादित होती है, लेकिन आखिर हम लोगों को उसमें कमीशन दिया है तो हम लोगों का परिवार आराम से जाएगा। और यही मांग के लिए आज जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। हमने सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। विगत एक दो हमने जिलाधिकारी के माध्यम से हरेक जिले पूरे भारतवर्ष जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहता है कि कोई ठोस निर्णय लेने के। हम लोग कम से कम भी 8 वर्षों से, मतलब पहले हम लोगों का हाँ से कमीशन घटा है, 12 वर्ष से हम लोग लगातार हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण लड़ रहे हैं। आज हम शांतिपूर्ण धरना के लिए आए हैं, हमारा कोई उद्देश्य हम लोग बस सरकार से शांतिपूर्ण से यही मांग करते हैं कि आपके ऊपर ध्यान दिया है, आपके परिवार के ऊपर ध्यान, के रोजी रोटी का हम लोग का सवाल है, हम रोजी रोटी को बचाए। नरेश कसेरा, मैं कतरा से हूँ, धनबाद जिला, स्टेट झारखंड। डिमांडों का यही है कि जो 2011 में कमीशन था महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत 5%, इन्होंने घर के 4% कर दिया सन 2011 में, उसे 5% फिर से आया। और बहुत सारी स्कीमें हैं जिन लोगों को कमीशन नहीं दिया जाता है, जैसे कि कन्या समृद्धि योजना, उस लोगों को पेंशन वंचित किया गया है। और कहने का मतलब PPF है, सीनियर सिटीजन, और हाँ PPF मिलता था, PPF में कितना 1% मिलता। हमारी 2011 मांगे चल रही हैं कि कमीशन वापस दिया जाए, जो बंद कर दिए थे उसको वापस कर दें, हमारी यही मांग है। जी, कांग्रेस सरकार ने बंद की, कमीशन से घटा कर गोपीनाथ श्याम कमेटी जब रिपोर्ट उससे उसी के बाद उन्होंने कमीशन बंद कर दी। PPF सिटीजन में जो मतलब वो दिए उसको और 2.5% विकास का कमीशन करके अठन्नी कर दिए हैं। अब तक आश्वासन नहीं मिला, हम लोग जिले से हर राज्य से अधिकारी के द्वारा इनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक उस पर नहीं। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और कहा कि जब सबका साथ सबका विकास कर रहे तो इस योजना से हमको क्यों दूर रखा गया। गवर्नमेंट की जो इसमें है हम लोगों की मध्यता के कला की चल सकती है, क्यों कि तो डाकघर के कर्मचारियों का जो व्यवहार है पब्लिक के प्रति या के प्रति व्यवहार, कोई आदमी पोस्ट ऑफिस जाना पसंद नहीं करता है। हम लोग तो बेरोजगार है, हमको तो रोजी रोटी कमाना है, हमको रोजी रोटी कमाना है, लोगों से सामना करके दरवाजे उनको कहते हैं कि स्कीम में पैसा तो तुमको ये फायदा होगा,
आप क्यों बोल अगर सरकार हमको मंत्रालय ने के लिए नियुक्त किया है, नियुक्त किया है, मंत्रालय नियुक्त किया है, इससे रखा है गवर्नमेंट की स्कीमों को कला की प्रचार तो हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम प्रचारित करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं ताकि वो उसमें आखिर इस आदमी आएगा कि नहीं। कहीं आज बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं उनसे हम 10-10, 20-20 रुपया ले पोस्ट ऑफिस में जमा के एक मुफ्त रकम दिलवाते हैं। कह रहे हैं कि 2011 से ये 13 साल हो गए जी, 13 साल में क्या अभी ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई बात नहीं हुई? हाँ, आश्वासन नहीं मिला और अगर इसे किया गया तो इसके कर क्या दिया गया? देखिए सरकार ने मांगों को ठहराया है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि फिर हम लोगों का डिमांड मान किया जा रहा है। सरकार सहमत है, उसके अधिकारी सहमत हैं, अपने भी सांसद वो सहमत बात तो कि आप लोग एकदम नहीं कह रहे हैं, उसके बावजूद में हम लोग लाचार होंगे। आज यहाँ पूर्ण के लिए हम लोगों को एकत्रित होने पड़ा, हम लोग 2 तारीख से 6 तारीख तक अपना शांति प्रदर्शन करेंगे। निवेदन करूंगा कि आप मन की बात करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति जो आप अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति के नाते आप बात करते हैं, तो आप क्या आपके दिमाग में आपके डिक्शनरी में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता जो पूरे देश में लगभग 7 से 8 लाख अभिकर्ता जुड़े हुए हैं उनके परिवार में 5 लोग होते हैं और एक अभिकर्ता के साथ कम से कम एवरेज कहीं 500 हैं कहीं 1000 हैं लेकिन आप 200 का एवरेज डालेंगे तो एक बहुत ही जनसंख्या का 2 से 3% जनसंख्या अभिकर्ताओं के द्वारा प्रभावित किया जाता। और एक मिनट सर, 2014 के पहले जब यहाँ पे मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी उस सरकार में उत्पीड़न हुआ, कमीशन आधा हो गया, फिर मनमोहन सिंह को हटाने के लिए मोदी जी को लाने के लिए सारे अभिकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिए, इसको पूरा करेंगे। मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मोदी जी से, मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, जो मुझे मिल रहा था पहले आप उसको दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। ये पूरा अभिकर्ता साथी, अभिकर्ता परिवार, राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता के जितने भी अभिकर्ता हैं आपके साथ आगे भी बने रहेंगे, विश्वास आपके साथ बना रहेगा। ये अभिकर्ताओं का जीवन और मरण का सवाल है। जैसे आप अपने एक के लिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का